नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। कैशलेस इंडिया के तहत पेट्रोल से लेकर बीमा पॉलिसी तक सब कुछ सस्ता। डेबिट क्रेडिट कार्ड अथवा ऐसे ही किसी अन्य डिजिटल तरीके से आप यदि पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, बीमा पॉलिसी का भुगतान करते हैं या फिर रेलवे टिकट लेते हैं तो आपको कुछ छूट दी जाएगी। सरकार ने 2000 रुपए तक का भुगतान कार्ड के जरिए करने पर सेवा कर समाप्त कर दिया है। इस प्रकार पेट्रोल डीजल खरीदने पर भुगतान यदि क्रेडिट डेबिट कार्ड ई वॉलेट अथवा मोबाइल वॉलेट से किया जाता है तो 0.75% की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नकदी रहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को कई प्रकार की खरीद फरोख्त में डिजिटल भुगतान करने पर रियायत और सेवा कर में छूट के सरकार के 11 निर्णयों के बारे में जानकारी दी। जेटली ने कहा कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सार्वजनिक लेन देन में डिजिटल तरीकों से भुगतान करने पर लेन देन शुल्क और MDR शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरह रियायतों पर आने वाली लागत के सवाल पर जेटली ने कहा कि इनमें से ज्यादातर रियायतों का बोझ वही संगठन उठाएंगे क्योंकि ज्यादातर रियायतों की पेशकश केंद्र सरकार की संस्थाओं अथवा सार्वजनिक उपक्रमों ने ही की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए टोल भुगतान के वास्ते RFID टैग खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान पर 10% की छूट दी जाएगी। सार्वजनिक कंपनियों की वेबसाइट से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने या प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन करने पर 8% की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार साधारण बीमा पॉलिसी लेने या फिर प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन करने पर 10% की छूट मिलेगी। उपनगरीय रेलवे यात्रा का मासिक अथवा सीजन टिकट खरीदने पर 1 जनवरी से 0.5% रियायत दी जाएगी। रेल यात्रा का टिकट ऑनलाइन खरीदने पर 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। जो लोग रेलवे कैटरिंग, ठहरने के स्थान, विश्राम गृह के लिए भुगतान डिजिटल तरीकों से करेंगे उन्हें उनमें 5% की छूट मिलेगी। जेटली को उम्मीद है कि डिजिटल खरीद का चलन बढ़ने से निकट भविष्य में यह भुगतान घटकर 1 करोड़ रुपए पर आ जाएगा। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। RBI के अनुसार नोटबंदी के बाद लोगों को 4.27 लाख करोड़ के नोट पहुंचाए। सोलमन द्वीप पर 7.7 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा। हैदराबाद में बहुमंजिला इमारत ढही, 6 की मौत। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन पर दी बधाई। अमेरिकी सेना ने 50,000 IS आतंकियों को मार गिराया।